हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फीडबैक। गाइस, क्विज पर बेस्ड मैंने आपके लिए काफी सारे वीडियोस बनाए हैं, चाहे वो HTML CSS से क्विज क्रिएट करना हो या फिर HTML CSS JavaScript की हेल्प से एक डायनामिक क्विज क्रिएट करना हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो किसी न किसी टूल का यूज करके मैंने आपको क्विज जनरेट करना बताया, क्रिएट करना बताया। आज मैं आपको एक और सिंपल मेथड क्रिएट करना बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें सपोज आपके पास कोई भी टूल नहीं है, कुछ भी नहीं है और आपको प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, तब भी आप एक क्विज क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं या फिर एक ऐसे पर्सन हैं जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एक क्विज डेवलप करना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को क्विज सेंड करना चाहते हैं या फिर आप एक क्विज टेस्ट लेना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स का, किसी भी पर्पज से अगर आप एक क्विज क्रिएट करना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं, वेबसाइट पर आप लगाना चाहते हैं क्विज, तो वो आपको एक मैं परमानेंट मेथड यहां पे आपको बताने वाला हूं। और बहुत ही इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताने वाला हूं जो हम यहां पे करेंगे गूगल के एक प्रोडक्ट से, गूगल फॉर्म की हेल्प से। जी हां दोस्तों, किस तरीके का क्विज होगा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। मैंने यहां पर अपने ब्लॉग स्पॉट पे ये क्विज आपके लिए डेमो के लिए यहां पे डाल रखा है। मैंने यहां पे अपने ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट पे ब्लॉग पे यहां पर ये क्विज आपके लिए डेमो के तौर पर डाल रखा है। ये मेरा ब्लॉग है bustweetech.blogspot.com। यहां पे जितने भी डेमो चीजें होती है जो मुझे आपको ब्लॉग पर अपलोड करके दिखानी होती है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे राजस्थान जीके क्विज मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, आज ही क्रिएट करा है 21 अक्टूबर 2020। इस पे क्लिक करते हैं, किस तरीके का क्विज आपके सामने ओपन होगा आप देख लीजिए। यहाँ पे इस तरीके का क्विज आपके सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्विज क्रिएट कराया और कुछ यहाँ पे सवाल और उनके ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट किए हैं। आप इसमें किसी भी तरीके का क्विज क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप का आप यहाँ पे क्विज या फिर एक एग्जाम पेपर भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इसको टेस्ट करके बता देता हूँ। जैसे सपोज आपको यहाँ पर सवाल और जवाब देने हैं, ठीक है। ये सवाल है आपका, सपोज ये जवाब है, राजस्थान के साथ सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की मिलती है, पंजाब। सपोज आप कुछ गलत जवाब भी देते हैं, इस तरीके से आप जब सब जवाब दे देते हैं तो नीचे आपके पास सबमिट बटन आ जाएगा। सबमिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा जो कि एक कस्टम मैसेज होता है। आप यहाँ पे चाहें तो मैसेज चेंज कर सकते हैं और व्यू स्कोर में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे आपके जो सही जवाब है वो सही दिखा देगा, जो गलत जवाब है वो रेड से दिखा देगा। जो सही जवाब है आप देख सकते हैं ग्रीन कलर से यहाँ पे राइट लिखा आ रहा है जो आपका सही जवाब है, और जो गलत जवाब है राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, जो सही जवाब है वो धौलपुर है एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे अलवर मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसको रेड से यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। और जिनके आप जवाब नहीं देंगे वो भी यहाँ पे गलत तरीके से आपको यहाँ पे शो कर देगा, यानी कि वो गलत जवाब है, यानी कि रेड में आपको शो कर देगा। तो इस तरीके का क्विज आप एक बहुत ही डायनेमिक क्विज है जिसमें आप सवाल पर टिक भी कर रहे हैं, आपको ये भी पता चल रहा है सबमिट करने के बाद कि आपका जवाब सही है या गलत, तो एक परफेक्ट क्विज आप यहाँ पे क्रिएट कर पा रहे हैं बिना किसी टूल के, बिना किसी प्रोग्रामिंग के। कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। इसको तो कर देता हूं मिनिमाइज और आप यहां पे जाएंगे गूगल पर और गूगल पे लिखेंगे गूगल फॉर्म्स, ठीक है। गूगल फॉर्म्स लिखने के बाद आपके पास गूगल पे कुछ लिंक्स आएंगे, आप देखेंगे, आप देख सकते हैं गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। पहला लिंक तो आपके सामने आ जाता है जिसमें गूगल आपको इसके बारे में जानकारी देता है, अदरवाइज आप डायरेक्ट साइट भी यहाँ पे आप लोकेट कर सकते हैं docs.google.com, ठीक है। आपको इस साइट पर जाना है या फिर आप इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे जहां पे आप docs.google.com लिखा देख रहे हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास अगर आप अपने जीमेल अकाउंट में लॉगिन नहीं है इस वक्त तो आपके पास ऑप्शन आएगा, तो आपके पास एक वेब पेज ओपन होगा जब आप अपना जीमेल अकाउंट में लॉगिन करेंगे, अपना जीमेल आईडी वहां पर डालेंगे और जीमेल पासवर्ड वहां पर डालेंगे, और फिर उसके बाद आपके पास सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आप यहां पे फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं और स्टार्ट अ न्यू फॉर्म यहां पे लिखा आएगा, ठीक है। तो गूगल फॉर्म्स की सर्विस के अंदर हम किस तरीके से फॉर्म्स क्रिएट करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, स्टार्ट और न्यू फॉर्म लिखा आ रहा है, ब्लैंक, कॉन्टैक्ट फॉर्म, अगर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना हो, RSVP फॉर्म क्रिएट करना हो, पार्टी इन्विटेशन फॉर्म आपको क्रिएट करना हो, टी शर्ट साइनअप वगैरह यहाँ पे आपको क्रिएट करना हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं टेम्पलेट्स पे जब आप क्लिक करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपके पास टेम्पलेट गैलरी आती है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शन आ जाते हैं कि और किस तरीके का आप फॉर्म यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। इवेंट रजिस्ट्रेशन,
इवेंट फीडबैक, ऑर्डर फॉर्म, जॉब एप्लीकेशन, टाइम ऑफ रिक्वेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास नीचे एजुकेशन में ब्लैंक क्विज, एग्जिट टिकट, असेसमेंट, वर्कशीट, कोर्स एवेल्यूएशन वगैरह सब चीजें आ रही हैं। इन सबको आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं क्विज के बारे में। तो या तो आप यहाँ पे टेम्पलेट में जाके, आप बैक में जाके टेम्पलेट में जाके आप यहाँ पे ब्लैंक क्विज पे क्रिएट क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे शुरू में ही ब्लैंक ऑप्शन आ रहा है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने इस ब्लैंक बटन पे क्लिक करते हैं। ब्लैंक बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और आप सब सीख जाएंगे। इस पेज पर आप देखिए, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा अनटाइटल्ड फॉर्म। ठीक है, अनटाइटल्ड फॉर्म मतलब आप यहाँ पे अपने क्विज का टाइटल डाल सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर एक क्विज क्रिएट करता हूँ, कंप्यूटर क्विज, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे क्विज क्रिएट करता हूँ। उसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, आप अपने फॉर्म के बारे में डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, किस तरीके के, किस बारे में ये क्विज है, किस चैप्टर से क्विज है, एक्सेट्रा, जो भी आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन आपके पास नीचे ऑप्शन आता है अनटाइटल्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन टाइप करेंगे। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करता हूँ फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। ठीक है, देन आपके पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आता है। ऑप्शन से पहले आप यहाँ पे देखिए, आपके पास राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है जिसमें आपके सामने सिलेक्टेड आ रहा है मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको शॉर्ट आंसर बेस्ड आपको यहाँ पे एग्जाम पेपर बनाना है तो शॉर्ट आंसर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ बेस्ड आपको आंसर बनाना है, क्वेश्चन पेपर बनाना है, तो आप पैराग्राफ सिलेक्ट कर सकते हैं। चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, फाइल अपलोड, जिस भी तरीके का आपको यहाँ पे क्विज डेवलप करना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज मल्टीपल चॉइस ग्रिड भी यहाँ पे आपके सामने कई सारी फोटोज होती हैं, उनमें से आपको एक फोटो सेलेक्ट करना हो, इस तरीके का क्विज भी आप क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली तौर पर मल्टीपल चॉइस क्विज क्रिएट करते हैं तो मल्टीपल चॉइस यहाँ पे सिलेक्ट रखेंगे, उसके ऑप्शन में आ जाते हैं। ऑप्शन में हम इसके आंसर लिखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, इसके बाद आपको एड अनदर ऑप्शन में जाना है और ऑप्शन लिखने हैं सेंट्रल पावर यूनिट। ठीक है, आप चार ऑप्शन लिखते हैं ना, वैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल पावर यूनिवर्स। ठीक है, इस तरीके से मैंने चार ऑप्शन लिख दिए, नन ऑफ दीज। ठीक है, चार ऑप्शन मैंने लिख दिए। अब हमें क्या करना होता है, इनमें से एक ऑप्शन को हमें सही करना होता है जो एक्चुअल में आंसर है, जिससे कि यूजर इसका आंसर दे तो वो उससे पता लग जाए कि उसने सही आंसर दिया है गलत आंसर दिया है। तो वो आप कैसे देंगे, उसके लिए यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा। वो ऑप्शन कैसे आएगा, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे कुछ टैब्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इन टैब्स को अपने अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि जो भी इस एग्जाम को देगा उसका ईमेल एड्रेस आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस पे टिक कर देंगे, अदरवाइज आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन में आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार, आप शो करना चाहते हैं कि आप जितना टेस्ट आप दे चुके हैं उसके हिसाब से प्रोग्रेस बार आपको शो हो तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। क्वेश्चंस आपके शफल होते रहे, ऊपर नीचे होते रहे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका एग्जाम पेपर कंप्लीट हो उसके बाद क्या मैसेज आना चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, थैंक यू फॉर सबमिट फॉर एग्जाम। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे थर्ड टैब आ रहा है क्विजेस। ठीक है, तो क्विजेस पे आप जाएंगे और इसको आपको ऑन करना है, इस तरीके से ये ऑफ होगा, ऑन करना है, मेक दिस अ क्विज, देन सेव कर देंगे। सेव करते ही आपके सामने यहाँ पे आंसर की आ जाएगी, आंसर की पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे राइट आंसर आपको सिलेक्ट कर देना है, देन डन कर देना है। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे प्लस का निशान आ रहा है, एड क्वेश्चन आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने एक और क्वेश्चन एड करने के लिए आ जाएगा, सपोज फुल फॉर्म ऑफ रैम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डाला इस बार क्वेश्चन, इसका मैं यहाँ पे ऑप्शन डाल देता हूँ, रीड Only memory, ठीक है, read पहला ऑप्शन, read access memory, दूसरा ऑप्शन random access memory, ठीक है, read access मॉड्यूल, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए चारों ऑप्शन, आंसर की पे क्लिक करेंगे, सही आंसर रैंडम एक्सेस मेमोरी,
डन कर दिया। और इस तरीके से आपके मैं यहाँ पे डेमो के तौर पे दो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अगर आपको फुल यहाँ पर क्रिएट करना हो तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिसेंट फॉर्म में जैसे राजस्थान जी के मैंने आपको दिखाया, दूसरा फॉर्म में आपको दिखा रहा हूँ दूसरी ईमेल आईडी से, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड करते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने काफी सारे सवाल यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। ठीक है, तो हम अपने वापस से अपने फॉर्म पे आते हैं और दिखाते हैं आपको किस तरीके से हम यहाँ पे और भी ज्यादा इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं इंपोर्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास पहले से कोई क्विज क्रिएट हो तो आप उसमें से इंपोर्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। आपको सभी चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इमेज इंसर्ट करनी हो तो आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। वीडियो इंसर्ट करना हो तो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। और आपको सेक्शन डिवाइड करना हो, जैसे सपोज कंप्यूटर क्विज हो गया, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है आप यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे फिजिक्स क्विज एक्सेट्रा। ठीक है, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको रिमूव करना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर आपके पास सेक्शन में राइट में आपके पास ऑप्शन आ जाता है, आप इस पे क्लिक करके डिलीट सेक्शन कर सकते हैं, तो आपके सेक्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपको इसमें कलर कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ करना है तो यहाँ पर आपके सामने कस्टमाइज थीम आता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं थीम यहाँ पे आप सेट कर पा रहे हैं, ग्रीन कलर, ब्लू कलर एक्सेट्रा। ठीक है, और भी चीजें आपके सामने, फॉन्ट स्टाइल भी आ जाते हैं, आप जो फॉन्ट इसमें चाहते हैं वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपने इस क्विज का प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस आई पे क्लिक करेंगे जो आपके पास अपर राइट कॉर्नर में आ रही है। ठीक है, इस आई पे क्लिक करेंगे, प्रीव्यू हमने करा, अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्विज कुछ इस तरीके का आ रहा है। एक सही जवाब मैं देता हूँ रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक गलत जवाब देता हूँ सेंट्रल पावर यूनिवर्स, सबमिट कर देते हैं इसको। सबमिट करने के बाद आपके सामने आप देख सकते हैं जो कस्टमाइज हमने यहाँ पे मैसेज दिया था, थैंक यू फॉर सबमिट फॉर एग्जाम, तो जो भी हमने यहाँ पे मैसेज दिया था वो आ गया। देन व्यू स्कोर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं एक सही जवाब और एक गलत जवाब। अब बात आती है कि अब आप अपने क्विज को किसी वेबसाइट पर एम्बेड कैसे करेंगे या फिर किसी को सेंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सेंड करने के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके सामने एक बटन आएगा सेंड। अगर आपको इस क्विज को सेम एज इट इज इस क्विज को आपको शेयर करना है, सपोज आपने अपना एक क्विज क्रिएट कर लिया, अगर आप एक टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सेंड का बटन आएगा आपके पास, सेंड के बटन पे जाएंगे, देन यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन आते हैं सेंड वाया। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं आप इस क्विज को, देन आपके पास एक लिंक आता है, आप लिंक पे जाएंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, शॉर्टन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा। इस लिंक को आप कॉपी करके किसी को भी सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हैं, कहीं पर भी, जिस पर भी आपकी ऑडियंस है, जिसके साथ आप ये क्विज शेयर करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो इस क्विज को परफॉर्म करें, इस टेस्ट को परफॉर्म करें, तो आप उनके साथ ये लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपको इसको कॉपी करना है, देन आपको जिनको सेंड करना है वहां पर आपको एक पेस्ट कर देना है। तीसरा ऑप्शन आपके पास आता है एम्बेड का, इस पे क्लिक करेंगे तो एम्बेड एचटीएमएल आ जाता है। इस कोड को आप शेयर करेंगे अपनी वेबसाइट पर या फिर ब्लॉग पर। कैसे, जैसे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप देख सकते हैं ये मेरा एक ब्लॉग है बस टुडे टैग। ठीक है, अब सपोज मुझे इसमें ही ये क्विज ऐड करना है तो मैं अपना यहाँ पे ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से मैं ब्लॉगर ओपन कर लेता हूँ, ब्लॉगर पे क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, इस तरीके से जैसे राजस्थान जीके का क्विज था, मैं इस पर गया, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है, आपके पास इस तरीके से आएगा ऊपर टाइटल लिखने के लिए। ठीक है, टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर आपके सामने आएगा कंपोज व्यू एंड एचटीएमएल व्यू। HTML व्यू में आप जाएंगे और HTML व्यू में जाने के बाद आपने जो भी वहां से जो कोड कॉपी किया है, यहां से एम्बेड कोड कॉपी किया है, कॉपी करेंगे इसको और यहां पे आप इसको पेस्ट कर देंगे। मैं जस्ट इसके नीचे ही पेस्ट कर देता हूं जिससे कि दो क्विज मेरे एक साथ यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू देखता हूं इसका, प्रीव्यू आप देखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां तो मेरा राजस्थान वाला क्विज आ रहा है और नीचे मैंने एक और कोड पेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं मेरा कंप्यूटर क्विज भी यहां पर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहां से ऊपर वाला कोड हटा देता हूं, आई फ्रेम वाला कोड हटा देता हूं, एचटीएमएल कोड, और फिर प्रीव्यू करता हूं तो यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर मैंने टाइटल तो चेंज किया नहीं राजस्थान जीके क्विज का, यहां पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर क्विज और उसमें दो यहां पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, प्रीव्यू में मैं यहां पे सिलेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं इस पोस्ट को अपडेट करूंगा या फिर पब्लिश करूंगा तो मैं यहां पर इस पोस्ट को यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर पर, आप अपनी वेबसाइट पर, कहीं पर भी इस एम्बेड कोड का यूज ले सकते हैं और वहां पर इस तरीके से आप अपना एक
क्विज यहाँ पर क्रिएट कर सकते। तो गाइज आई होप कि आपके लिए अब आसान हो जाएगा क्विज क्रिएट करना और इस तरीके से आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं बहुत आसानी से। आप क्विज शेयर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टडी करते हैं तब आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, आपकी तैयारी में बहुत काम आ सकता है। अगर आप एक टीचर हैं तो आपके लिए काफी सारी आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जस्ट आप क्विज सेंड कर सकते हैं टाइम टू टाइम टेस्ट लेने के लिए। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोचिंग चलाते हैं तब भी आप गूगल फॉर्म से आप इस तरीके का क्विज डेवलप करके अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए किसी ना किसी तरह हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो का लाभ जरूर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।